हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स के बारे में। जैसा कि आप लोग को कल न्यूज़ मिली गई होगी कि इंडियन आर्मी देख रही है इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स को लेने के लिए, जिसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं। एक यूएस का स्ट्राइकर है, दूसरा भारत का टाटा कैस्ट्रल और तीसरा हमवी। तो यहाँ पर हमको थोड़ा फ्लॉ दिखाई देता है क्योंकि हमवी जो है वो कहीं से भी इस पर फिट नहीं बैठती है, शायद रिपोर्टिंग मिस्टेक हो सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूएस के स्ट्राइकर आईसीवी की। तो स्ट्राइकर आईसीवी का जो वज़न है वो करीबन 18 टन से लेकर 20 टन के बीच का है। लंबाई जो है वो 22 फीट 10 इंच की है, चौड़ाई 8 फीट 11 इंच की है और जो हाइट है वो 8 फीट 8 इंच की है। तो टोटल जो पैसेंजर्स ये कैरी कर सकता है वो 9 है और जो क्र्यू है वो 2 है। आर्मर की बात करें तो ये स्टेनैक 4 लेवल का है जो कि 14.5 मिलीमीटर के राउंड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। वहीं अगर मेन आर्मामेंट की बात करें तो ये वेरी करता है मिशन पे और आपकी रिक्वायरमेंट्स पे। इसमें 105 मिलीमीटर की M68A2 गन भी लगाई जा सकती है, उसके साथ 12.7 मिलीमीटर की M2 मशीन गन लगाई जा सकती है और 40 मिलीमीटर के मार्क 19 ग्रेनेड लॉन्चर्स भी लगाए जा सकते हैं और ये सब एक रिमोट वेपन स्टेशन पे माउंट किया जा सकता है। साथ ही साथ दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में इसमें 30 मिलीमीटर की मार्क 44 बुश मास्टर 2 गन लगाई जा सकती है। वहीं पर अगर सेकेंडरी आर्मामेंट की बात करें तो इसमें वही 12.7 मिलीमीटर की M2 गन लगाई जा सकती है या फिर 7.62 मिलीमीटर की M240 मशीन गन लगाई जा सकती है। इंजन की बात करें तो ये 350 हॉर्स पावर का कैटरपिलर C7 इंजन है और वहीं इसका मैक्सिमम लोड लेकर अगर पावर टू वेट रेशियो निकाला जाए तो ये करीबन 17.5 हॉर्स पावर पर टन का आएगा, जो कि एक ठीक ठाक रेशियो है। तो इसकी जो रेंज है वो करीबन 500 किलोमीटर की है और जो मैक्सिमम स्पीड है वो 97 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं पर इसके दाम की बात करें तो ये 40 से 45 करोड़ तक का पड़ेगा। और इसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि ये एम्फीबियस नहीं है, यानी कि ये पानी में नहीं चल सकता। तो ऐसा नहीं है कि आर्मर्ड कैरियर व्हीकल्स के ऑप्शंस नहीं हैं, और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि बॉक्सर हो गया आपका जर्मनी का, वहीं पर रशिया का बूमरैंग हो गया, पर इन सब की बात यह है कि इनका जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा है। प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी है पर वज़न काफ़ी ज़्यादा है। ये आपके 30+ टन कैटेगरी के आर्मर्ड कैरियर व्हीकल्स हैं तो इसलिए वो कॉम्पिटिशन में नहीं है। तो अब बात करते हैं हम टाटा कैस्ट्रल की। टाटा कैस्ट्रल का जो मैक्सिमम वज़न है वो 25 टन का है और जो इसकी लंबाई है वो 25.5 फीट की है, चौड़ाई 9.28 फीट की है और जो हाइट है वो 7.48 फीट की है। इसके क्र्यू में भी 3 आदमी आते हैं और पैसेंजर में 9 पैसेंजर्स आ सकते हैं। आर्मर की बात करें तो ये कॉन्फ़िगरेशन पर बेस स्टेनैक 1 से लेकर स्टेनैक 4 तक प्रोटेक्शन दे सकता है, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है जो आपका स्ट्राइकर प्रोवाइड कराता है। मेन आर्मामेंट की बात करें तो इसमें भी ऑप्शंस कई अवेलेबल हैं, क्योंकि ये मॉड्यूलर डिज़ाइन है इसके 16 वेरिएंट्स बनाए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इसमें BMP स्टाइल के जो टरेट है वो लगा रखा है जो कि 30 मिलीमीटर ऑटो कैनन के साथ आता है। इसमें अपग्रेड करके 105 मिलीमीटर की भी कैनन लगाई जा सकती है, इसमें मोर्टार राउंड्स भी लगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ऑटोमेटिक रिमोट वेपन स्टेशंस पे डिफरेंट तरह की गन्स भी माउंट करी जा सकती हैं, चाहे वो 7.62 मिलीमीटर की हो या 12.7 मिलीमीटर की हो, और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी लगाई जा सकती हैं। बाकी अगर इंजन की बात करें तो इसका जो इंजन है वो 600 हॉर्स पावर का है, तो इसका जो पावर टू वेट रेशियो आता है मैक्सिमम वज़न में वो 23 हॉर्स पावर पर टन का है, जो कि स्ट्राइकर से बहुत अच्छा है। तो फ्यूचर मॉडिफिकेशन के जो रास्ते हैं ये वो खोल देता है। तो किसी भी मामले में ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्ट्राइकर से कहीं से भी कम नहीं है। हाँ, ज़्यादा ज़रूर है, इसका पावर टू वेट रेशियो अच्छा है, ये एम्फीबियस है जो कि बहुत बड़ा मैटर है, ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है। एम्फीबियस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है और बहुत बड़ा एज देता है स्ट्राइकर की तुलना में कैस्ट्रल को। तो जो कैस्ट्रल का बेसिक डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, इंजन काफ़ी अच्छा है, इसके जो सस्पेंशन है वो इंडिपेंडेंट है, तो जो बेसिक डिज़ाइन है वो सॉलिड है। बाकी मॉडिफिकेशंस ज़रूरत के साथ किए जा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया इसके 16 डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, तो यूज़ के हिसाब से इसे कैसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है। और कुल मिलाजुला कर देखा जाए तो इस कॉम्पिटिशन का कोई सेंस नहीं बनता है, टाटा कैस्ट्रल को ही चूज़ करना चाहिए
और सबसे बड़ी बात जो इसका दाम है वो करीबन 24 करोड़ का है, जो कि स्ट्राइकर के दाम का ऑलमोस्ट आधा है, आधा नहीं है पर ऑलमोस्ट आधा है। तो इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।